जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस धमाकेदार वीडियो में भाइयों, हम लोग आपको बताने वाले हैं आयुष की डाइट प्लान क्या है। दो ऐसी मील आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो आयुष ने लास्ट के 2 से 3 महीने से कंटिन्यू कंज्यूम करी, जिससे से कैलोरी सरप्लस रहने में मदद मिली। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी गेनिंग आप लोग देख ही रहे हो, बहुत ही बढ़िया होती चली जा रही है। जिन लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुष सप्लीमेंटेशन प्रॉपर ले रहा है। अभी ये मास गेनर चला रहा है और साथ में डीएनए डिस्पैच ले रहा है। मास गेनर हेल्प कर रहा है इसको कैलोरी सरप्लस में रखने में और ज्यादा, और डीएनए डिस्पैच इसकी हार्डनेस पंप और आप लोग देख सकते हो इसकी वैस्कुलरिटी बढ़ा रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी फिलहाल इन चीजों को साइड करते हैं, पहले आयुष से डाइट पूछते हैं। जो दो चीजें इसने अपनी डाइट में ऐड करी है पिछले कुछ महीनों से, जिससे इसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, खुद आयुष बताएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक शेक पीता था सुबह उठ के, जो कि भैया ने रिकमेंड करा था मुझे, और वही शेक मैं स्कूल जाता था कभी कभी, और जो शेक था उसमें मैं कभी कभी ओट्स डालता था, कभी कभी पेट भर जाता था तो उसे नहीं डालता था। तो सबसे पहले मैं ओट्स डालता हूँ, मतलब उसके बाद दूध डालता था 200 ml, और साथ में 150 ml डालता था। गेनिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करिए मेरे पीनट बटर ने भाइयों, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने इसको एक शेक बताया था भाइयों, वो आप सब लोग भी अपने घर में बना सकते हो। 200 से 250 ml दूध लेना है आपको, उसमें ओट्स डालने हैं, ये 50 ग्राम डालता था, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, 100 ग्राम 150 ग्राम जितना आपकी कैपेसिटी हो। साथ में डेट्स और पीनट बटर, जो एक चम्मच में आपको बहुत ही बढ़िया कैलोरीज देता है, और यही दोस्तों ये दिन का 2 से 3 चम्मच पीनट बटर लेता था, जिसकी वजह से दोस्तों इसकी गेनिंग बहुत अच्छी हुई, और साथ ही साथ दोस्तों इसकी हेल्थी फैट्स की जो कमी थी ना बॉडी में, वो भी पूरा होने लग गई। क्योंकि भाई आपको पता है कि अभी इस पे इतने पैसे नहीं है कि हेल्थी फैट्स में जैसे कि घी खा सके, ये फ्लैक्स सीड पम्पकिन सीड ले सके, ना कि इसे इतनी नॉलेज है। तो पीनट बटर लेता था तो उससे से फैट्स की कमी पूरी होती थी, और साथ ही साथ पीनट बटर में कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी मिलता है, तो वो भी ये मिल जाता था उससे। तो मार्केट में ढेर सारे पीनट बटर हैं, आयुष का बजट था 500 रुपए से कम, तो मैंने इसको 450 रुपए में हेलिक्स लैब का रिसेंटली लॉन्च ये 5 से 6 न्यू अमेजिंग फ्लेवर में से मैंने इसको कुकीज एंड क्रीम दिया, जिससे इसे गेनिंग में बहुत ज्यादा मदद मिली। दोस्तों पीनट बटर प्रोटीन का सोर्स नहीं है, पीनट बटर हमारा एक हेल्थी सोर्स होता है हेल्थी फैट्स का, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी होता है। तो अभी इसको दोस्तों गेनिंग करने के लिए, प्रॉपर बॉडी बनाने के लिए फैट्स की भी जरूरत होती है, तो ये फैट्स नहीं दे रहा था, तो पीनट बटर ने इसकी बहुत हेल्प करी। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, मात्र 450 रुपए में वेबसाइट पे अवेलेबल है, 5 से 6 अमेजिंग फ्लेवर है, आपका जो फेवरेट फ्लेवर हो ले लो, बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी मील के बारे में, जो ये शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में लेता था, अपना कोचिंग से आने से पहले या कोचिंग के आने के बाद। जो मेरी सेकंड मील है, जो कि इवनिंग मील थी, कभी मैं ट्यूशन से बाद लेता था, कभी ट्यूशन से पहले लेता था मैं, जब मैं लेट हो जाता था स्कूल से, आजकल प्रैक्टिकल चल रहे हैं वैसे भी। तो ये बहुत ही इजी मील है एक तरीके से, मैं ऐसे व्हाइट ब्रेड में लगा के खाता था, एक व्हाइट ब्रेड ले लिया मैंने, उसके बाद पीनट बटर लगा दिया, और उसके बाद केले लगा दिए, उसके बाद डेट डाल दी और हनी डाल दिया, बस भाई वो इतनी टेस्टी थी ना ये मील कि आपको क्या ही बताऊं मैं बस। और कभी कभी ये तुम प्री वर्कआउट में भी ले लेते थे। हाँ, और कभी कभी जिम आने से पहले लेता था, और स्कूल तो मैं रेगुलर ले आता था इसे, कि इतनी मस्त मील थी और जल्दी रेडी भी होती थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये ब्रेड वाला पार्ट बनाता था, ब्रेड केले हनी डाल के और उसके ऊपर से पीनट बटर लगाता था, तो इसे प्री वर्कआउट में भी ले लेता था, क्योंकि भाई आप सब जानते हो कि स्कूल में इतना हमें टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से भाइयों हम नहीं कर पाते ये सब इतनी जल्दी मील रेडी, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता। तो यहाँ भी इसकी पीनट बटर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल सा पीनट बटर ने इसकी बहुत हेल्प करी गेनिंग करने में, इसकी मील्स को टेस्टी बनाने में और ईजी रखने में। तो भाइयों ये हो गया इसका डाइट का पूरा पार्ट, सप्लीमेंटेशन के बारे में इसने बताई दिया आपको कि कभी कभी ये जिम नहीं जा पाता था तो वर्कआउट से पहले मास गेनर, तो कभी मैं वर्कआउट से पहले मास गेन लेता था और एक रात को ले लेता था सोने से पहले, मतलब दिन में ये 2 बार मास गेनर लेता ही लेता था 50-50 ग्राम 2 बार, मतलब डीएनए की जो सर्विंग है वो 50 ग्राम की, तो दिन में कभी भी 2 स्कूप लेता ही लेता था, चाहे जिम आए चाहे जिम ना आए। अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ भाइयों, एक मेरा दोस्त है गौरव के, तो मेरे भाइयों अभी मेरे साथ मेरा भाई है गौरव। गौरव को दोस्तों सप्लीमेंट लाइन में काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और बहुत सारे इंटरनेट पे हवा चल। बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। लव यू ऑल, जय श्री राम, दुआओं में याद रखना, बाय बाय।